नमस्कार, इंडिया 24 के सेवन लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर है राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी से। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत बांदा बहराइच मार्ग से गंगापुर संसारा होते हुए बीजापुर तक 6.1 किलोमीटर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ठेकेदार की मनमानी हावी है। वहीं निर्माण व डामरीकरण के नाम पर पतली परत चढ़ाकर खाना पूर्ति कर दी गई है। इससे नवनिर्मित सड़क पर खाली पैर रगड़ने से डामर की परत उघड़ने लगी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में बांदा बहराइच मार्ग से गंगापुर संसारा होते हुए बीजापुर तक 6.1 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य की मंजूरी मिली थी। इस दौरान ठेकेदार ने आधा अधूरा काम करवा कर बंद करा दिया था, जो करीब 4 माह तक सड़क अधूरी पड़ी थी। मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक कर विरोध प्रदर्शन किया तो आनंद फानंद निर्माण कार्य की जांच करने पहुंचे जे ने दोबारा रोड को बनवाने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया। वहीं सड़क निर्माण की मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही। वर्तमान में करीब 1 किलोमीटर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन गुणवत्ता की अनदेखी और डामर की पतली पर चढ़ाने के कारण नवनिर्मित सड़क पर खाली पर रगड़ने और डामर उखड़ने और जगह जगह मिट्टी गिट्टी दिखने लगी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण एजेंसी जय निर्माण कार्य तक नहीं पहुंचे हैं, इससे ठेकेदार मनमानी कर निर्माण कार्य को जैसे तैसे करवा। वहीं खराब गुणवत्ता होने के कारण नवनिर्मित सड़क पर चलने से सड़क उखड़ने लगी है, तो पहली बारिश में इस सड़क का क्या हाल होगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। रहा है मानक के अनुरूप नहीं पड़ रहा, तुरंत उखड़ रही है। इसमें कल पीछे से डाल के आया, परसों आप देखिए जाके वहाँ उखड़ गया सर। नहीं तो ये कितने दिन से ये कहाँ से कहाँ ये रोड कहाँ से कहाँ निकल रहा है? बहराइच मार्ग सतरही के पास से लेके ये जो निकला सुबह मार्ग वहाँ तक इसकी लंबाई करीब 7 किलोमीटर होगी। अच्छा, तो इसमें क्या मानक विहीन था जिसके लिए आप लोगों ने रोक लगाई? इसमें जो डामरीकरण हो रहा है, देखिए 2 सेंटीमीटर की परत नहीं है, तुरंत उखड़ रही है ना। इस पे कसाई हो रही, इस पे चल रहे हैं तो बराबर, जैसे हम पुरानी सड़क पे चल रहे हैं, रिपेयर हुई सड़क है। ये सारी दिक्कतें हैं, तो इसके लिए कोई सक्षम अधिकारी अभी तक आप लोगों तक पहुंचा? जे ही आए हैं। अच्छा, तो जे साहब क्या बता रहे हैं अभी तक? वो उनकी समझ से भी ये मानक के हिसाब से काम नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं उखड़वा के फिर से काम करवाया जैसे। आपत्ति जताइए। प्रधानमंत्री योजना रोड का कहा है, या जो है गड्ढा मुक्त हिसाब से नहीं बनते। बगल में रोड में देख लो कट्टी बढ़िया, यह रोड देख लो अब इन्हें खुद या साइकिल के टायर दे और ट्रैक्टर और टाली और मटलबे नहीं। इमा नाला कुछ बना रही, कुछ जगह नदियाँ लाट गई है, कहा जाड़ा आएगा गर्मी आएगा, इक हम नहीं आएंगे जाड़ा गर्मी आएगा। कहूक द्वारा खोट के नरवा डाल दिन उमा गिर पड़ा, इसे मरी जाए, इके जिम्मेदार को हुई। जय बाबा भाव समझाओ ठेकेदार और लेबर के ऊपर हम देखा इसमें मिली भक्त हिंटे को हमका जय रोड नरिया नारा जत्ते गाँव जरूर पाए रोड है क्या मानक? बिल्कुल ना हो पकुल मिला के चली धरना बाटर खान। रोड का क्या मानक है? रोड मानक जो उन्होंने हमको 4 इंच नहीं मिला, 2 इंच का हाथ 2 सेंटीमीटर का हाथ 2 इंच का हाथ। हाँ, तो एक रोड या खराब रोड हमने देखा तो 1 इंच में क्या मानक हिसाब से जिस हिसाब से इसमें तार कोल इसमें डाला जिला को मतलब तो बगल में रोड देखी गया, रोड देखी। तो अभी अधिकारी जो आए हैं, अधिकारी केवल और उनके पास आता भी उनके पास आता, लेबर के ऊपर लेबर के ऊपर काम हो जाए खत्म, बट चोर मोसेट भाग किनारे हो जाता। तो अधिकारी भी उन्हीं के साथ में है, ठेकेदारों के साथ बात बतावर है। तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, पहले देखा रोटी गलती न होती। अब आए हैं जब मतलब लोग गुस्सा में ई के नीचे जो है करके बाद हमारे घोड़ा के पसराइन बहराइन नहीं। तो अधिकारी दोबारा बनाने के लिए क्या कह रहे हैं कि इसको खोद करके बनाया जाए न करिए लगे रहे। अच्छा, तो आश्वासन आपको दिया है कि खोद के दोबारा बनाया जाए खोद के, मगर करिए खोद के हटवन है, मुझे लगे रहें। अच्छा, ये रोड जो बन रही है कितने किलोमीटर से बन रही है, कहाँ से कहाँ तक की जाएगी? तो ये प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पे आप लोगों ने इस पे जो है रोक लगाया है, ये कौन सी जगह है? ये बहरामपुर है। बहरामपुर है। अच्छा, बहरामपुर में आप लोगों ने रोक लगाया क्या? इसके पहले आप लोगों ने नहीं देखा कि मानक कहा जा रहा तो उनके ठेकेदार मुंशीदार है, दोबारा हुई तिबारा हुई बहिया हुई सब नहीं हुई गिर पे चली हो, तो जब हिंगा चला हुआ 2-3 किलोमीटर बहिगा तो लीला रेखा का
सब आगे जा रहा काम, पीछे कोनो पूरे चली जा रहा। जैसा कि अभी हमने ठेकेदार से बात किया तो ठेकेदार ने ठेकेदार द्वारा बताया जा रहा है कि जो है हमारा जेई और मेट मेट बराबर रह रहे थे। क्या जेई भी आते थे देखने के लिए? आज आए हैं उनके फोन के संपर्क हुआ, हम नहीं हमारे देखना है कहा बढ़िया रह रहे हम ना बार कर हमका उनके मकान नहीं आता। हम ये भी सवाल करियो यार, तो हम कहा नहीं वो प्रधानमंत्री करता भैया दिन कहाँ का कहाँ नहीं कहीं के लिए फोर्स काट के नहीं जब तक मन चाहे दो चार दिन में फिर जाओ तो पूरा पठन्ना निखार के रहे हमें कि कहीं माना की रहा कहीं बोर्ड उठा खो उठा तय हुए। अब हम तो ये भी सवाल कर हम गाँव में नहीं, हम झुके हम पैसे से खरीद चुके हैं इसको। किसको खरीद चुके हैं? रोड को खरीद चुके हैं या रोड को खरीद चुके हैं? किसको खरीद चुके हैं ये हमको नहीं पता। हमारे संरचना द्वारे खुदा डालिन है तो दादाजी ये रोड कुल मिलाकर के आप लोग धरना प्रदर्शन अपना कब समाप्त करेंगे? जब तक ये सही कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। तो जय साहब आकर के आप लोगों को आश्वासन दे करके वापस जा चुके हैं? नपाती मजदूर आदमी हम, ना हमें लड़का है ना बच्चा, निर्बल है, भूमिहीन निर्बल हम, जात के पास ही हम। लेकिन मेट द्वारा आपकी बात की सुनवाई नहीं की गई? नहीं सुनवाई बस। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बन रही थी। इससे पहले जो नीचे का ये चौड़ीकरण उच्चीकरण दोनों का काम था, पूरी 6 किलोमीटर की सड़क है, तो उसमें जो भी नीचे गिट्टी डाली गई और जो भी बराबर किया गया वो कार्य तो इनका सही था। लेकिन इसके बाद जब डामर की लेपन इन्होंने कार्य किया तो ये मानक विहीन था। इसमें ग्रामीणों में आक्रोश था, 4-5 कई गाँव के लोग यहाँ एकत्रित हुए, मुझे फ़ोन किया, मैं भी आया, मैंने तुरंत जेई से बात किया, सांसद जी से बात किया, सांसद जी ने एक्सचेंज से बात किया और जेई साहब तुरंत ही यहाँ पर आए, उन्होंने इसको चेक किया। इससे पहले जो नीचे का ये चौड़ीकरण उच्चीकरण दोनों का काम था, पूरी 6 किलोमीटर की सड़क है, तो उसमें जो भी नीचे गिट्टी डाली गई और जो भी बराबर किया गया वो कार्य तो इनका सही था। लेकिन इसके बाद जब डामर की लेपन इन्होंने कार्य किया तो ये मानक विहीन था। इसमें ग्रामीणों में आक्रोश था, 4-5 कई गाँव के लोग यहाँ एकत्रित हुए, मुझे फ़ोन किया, मैं भी आया, मैंने तुरंत जेई से बात किया, सांसद जी से बात किया, सांसद जी ने एक्सचेंज से बात किया और जेई साहब तुरंत ही यहाँ पर आए, उन्होंने इसको चेक किया, उसको बताया कि ये मानक विहीन ठेकेदार मानक विहीन काम कर रहा है। ठेकेदार ने एक्सेप्ट भी किया है कि ये मानक विहीन काम हो रहा है और उसको जितना भी हो गया है उसको दोबारा से काम करने के लिए इन्होंने ठेकेदार से कहा है। हमने भी ये कहा है कि ये प्रधानमंत्री और सांसद जी के सरकार को बदनाम करने के ये ठेकेदार का काम था, उसमें जो सही सड़क बने प्रधानमंत्री का और हमारी सरकार का यही कारण था कि जो ग्रामीणों को नई सड़क बने उस पर इनको अच्छी से सहूलतें मिले आने जाने का। गन्ने के हमारे ट्रैक्टर आते हैं, मिट्टी के ये सारे ट्रैक्टर आते हैं, ग्रामीणों के साधन आते हैं, तो उससे सही सुविधा मिले। तो ये जई भी आए हैं यहाँ पर, उन्होंने हमारी बात सुनी है और वो ठेकेदार को आदेशित किया है कि इसको दोबारा से उखाड़ के सही से इसको दोबारा कराएंगे। क्या ठेकेदार जई साहब जो आज आए हैं, ये ग्रामीणों का कहना है कि 700 मीटर रोड बन चुकी है, क्या इसके पहले भी जई साहब रोड का निरीक्षण करने आए थे क्या? नहीं, इससे पहले निरीक्षण करने नहीं आए थे, जब गिट्टी पड़ी थी तब आए थे। तो इन्होंने ये कहा था ठेकेदार से कि जब लेपन का कार्य शुरू करना तो मुझे बताना, मैं देखने आऊँगा तब करना, लेकिन इन्होंने जई से नहीं बताया था। ये जो जैसा कि यही बता रहे हैं, इन्होंने कहा मुझे नहीं बताया था, कल जब मैंने फ़ोन किया है तो आज ये आए हैं। इन्होंने फिर से देई को आदेश, ठेकेदार को आदेश किया है कि दोबारा से सड़क बनेगी, वरना ये ग्रामीण सड़क ये आगे बनने नहीं देंगे। ठेकेदार कौन है इसका? ठेकेदार ये जसवंत सुमित चंदेल या जसवंत ऐसे ही कोई। ये कितने लागत में बन रही है रोड? ये विजुअल हुआ मिली इनसे नहीं, मतलब कितने लागत में बन रही ये रोड? लागत उसमें बोर्ड पे लिखा है करीब 459 लाख। हाँ 459 लाख ऐसे ही कुछ, अभी हमने उसकी फोटो ली। 4 करोड़ 59 लाख।